Hi, all of you. How are you? A very warm welcome to this chemistry session. और सब प्रिपरेशन कैसे चल रहा है सीईटी का? So today my second video of solid state. So today's video is on crystal structure and cubic systems. Now I'll give you short introduction of this and then हम लोग उसके MCQs start करेंगे. Okay? So let's start. So what is crystal structure? Crystal structure क्या होता है? Crystal structure consists of number of atoms. बहुत सारे atoms present होते हैं in three dimensions. They are present in three dimensions. Okay? And ये atoms को join करके क्या बनता है? Unit cell बनता है. When this atoms gets joined by an imaginary line, we get to see is unit cell. अब जैसे ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ. Atoms are present in 3D arrangement. So now I am joining this lines. I am joining this points. तो मुझे क्या मिल रहा है? एक unit cell मिल रहा है. क्या मिल रहा है? यूनिट सेल. नाउ यू कैन सी हियर आई एम जॉइनिंग दिस लाइन, सो आई एम गेटिंग इज द यूनिट सेल. सो ये यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक नेचर का है ना. दिस क्यूबिक नेचर. इसका शेप कैसा है? क्यूबिक है. सी नाउ आई एम जॉइनिंग दिस. So these lines are actually imaginary. ऐसी lines वगैरह कुछ नहीं होती है crystal structure में. सिर्फ atoms present होते हैं and that too in different arrangement. Now ये जो arrangement है, ये cubic arrangement मैंने बनाया हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ cube बनाने आता है. Hexagon, tetragon, monoclinic नहीं आता है. So these atoms are arranged in a shape of cube. तो ये जो यूनिट सेल है, अभी यहाँ पे कितने यूनिट सेल हुए? दिस इज 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस आर द यूनिट सेल. सो एटम्स आर प्रेजेंट इन अ शेप ऑफ यूनिट सेल, इन अ शेप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. सो मेनी यूनिट सेल्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. सो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्टडी किया. एटम्स कैसे होते हैं? एकदम रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं. दूर दूर तक उनका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है. सो वो जो एटम्स का अरेंजमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल यूनिट सेल्स. नाउ व्हाट इज यूनिट सेल? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, एंड दिस इज नोन एज यूनिट सेल. दिस इज नोन एज unit cell. Now here I have drawn some unit cells. You can see this. These are the smallest units. और ये क्या हो रहा है? बार बार repeat हो रहा है. And ये togetherly क्या बनाता है? Space lattice बनाता है. So ये many unit cells come together to form space lattice. ओके, एटम को ये जो एटम है इसको क्या बोला जाता है? लैटिस बोला जाता है. ओके, या फिर फॉर्मूला भी बोला जाता है, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंपली एटम भी बोलते हैं. ओके, सो व्हेन लैटिस पॉइंट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म यूनिट सेल, एंड व्हेन यूनिट सेल्स कम टूगेदर दे फॉर्म स्पेस लैटिस. एंड ऐसे बहुत सारे स्पेस लैटिस कम टूगेदर टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड.
ओके तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्या स्टडी करेंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. सो चार टाइप के यूनिट सेल्स बनते हैं, फोर टाइप्स. सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब में आएगा, इट विल बी द सिंपल, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड. बॉडी सेंटर सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बट यहाँ पे मुझे तुम्हें सेल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया था, क्यूब का लिया हुआ एग्जाम्पल है, क्यूब, क्योंकि क्यूब मेरा फेवरेट है. बाकी सारे क्रिस्टल सिस्टम्स में क्यूब इज माई फेवरेट. सो मैंने यहाँ पे जो तुम्हें यहाँ पे जो फोटो लगाया हुआ है दैट इज ऑफ क्यूब. बट वी आर स्टडिंग इज व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल. सो देयर आर फोर टाइप्स. फर्स्ट इज सिंपल, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल. देन नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. थर्ड इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. एंड नेक्स्ट इज एंड सेंटर्ड, या फिर उसको बेस सेंटर्ड भी बोला जाता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. ठीक है. सो ये जो मैंने सेल्स का एक्सप्लेन करूंगी अभी, दैट इज विद द हेल्प ऑफ क्यूब. सो नाउ इन सिंपल यूनिट सेल, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर्स, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन एवरी कॉर्नर. तो ये एटम ऐसे दूर नहीं होते, दे आर एक्चुअली अटैच टू ईच अदर. ये यहाँ पे तुम देख सकते हो, इफ दिस इज अ क्यूब, दिस एटम्स आर अटैच्ड विद ईच अदर. ओके. Next is face-centered unit cell. Now you can see, here atoms are only present in the corners. Now in face-center, atoms are present in corner plus on the face-center. You can see here, on corners, 8 corners pe atom present hai, and atom is also present on the center of face. Kitne face hote hai cube mein? 6 फेस. सो 6 फेस के सेंटर में भी क्या है, एटम्स आर प्रेजेंट. नाउ इन बॉडी सेंटर, एटम इज प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर प्लस 1 इन द सेंटर ऑफ बॉडी. सो यू कैन सी हियर, कॉर्नर में है एंड 1 इन द सेंटर. सो यहाँ पे तुम्हें दिख सकता है कॉर्नर में, corners and one in the center. So ये जो है वो एक दूसरे से connected है. But यहाँ पे body center में क्या होता है, corner atoms जो है वो body center atom के साथ में connected होता है. Since there is one atom in the single, corner के atoms एक दूसरे से attached नहीं है, but these are attached with body center atom. Okay. Now in face center also you can see corners को नहीं attached है. Now if you see ये ऊपर का फेस है, सो दिस अप टॉप फेस इज अटैच, एवरी एटम इज अटैच टू इट्स फेस एटम. यू कैन सी हियर आल्सो, इट इज अटैच टू इट्स फेस एटम. यहाँ पे भी देखो, इट इज अटैच टू इट्स फेस एटम. यू कैन सी इट हियर आल्सो, इट इज अटैच टू इट्स फेस एटम. ओके. सो कॉर्नर के एटम्स डायरेक्टली एक दूसरे से अटैच नहीं है, दे आर अटैच टू अ फेस एटम्स. हियर atoms are, corner ke atoms are directly attached with each other. Okay. Now, next is end-centered. Now, in end-center, you can see atoms are present in the corner and on the center of the, it is present on the corner and on the center of the top and bottom. Okay. Atoms are present on every corner. कॉर्नर पे है और दो फेसेस के सेंटर पे है. सो दैट फेस कैन बी टॉप एंड बॉटम, राइट और लेफ्ट, और यू कैन टेक बैक, ऊपर नीचे, आगे पीछे, या फिर लेफ्ट राइट, जो भी, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, जो भी है यू कैन टेक इट. कोई भी दो फेस के
अपोजिट में वो रहेगा. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल एंड दिस यूनिट सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम. सो देर आर बेसिक 7 टाइप्स ऑफ सिस्टम. So what are those basic 7 types? Cubic, orthorhombic, tetragonal, monoclinic, rhombohedral, triclinic and hexagonal. ये 7 type के crystal systems are present in crystalline solids. Now Bravais ने क्या किया है? ये 7 को further classify किया based on the unit cells. Now this we will be seeing in next. So now you can see here cubic जो है, if you see cubic is further divided into 3, simple, end center, face center. So you can see here simple बोला तो on every corner atom is present, body centered यानी corner plus body के center में, face centered on every corner and on the faces atoms are present. ओके, नाउ ऑर्थोरोम्बिक को ब्रेवियस ने फर्दर 4 में डिवाइड किया, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड या फिर एंड सेंटर. एंड सेंटर इज आल्सो नोन एज बेस सेंटर. सो यू कैन सी हियर सिंपल यानी ऑन एवरी कॉर्नर एटम्स आर प्रेजेंट, इन बॉडी सेंटर कॉर्नर प्लस इन द सेंटर ऑफ बॉडी, फेस सेंटर में कॉर्नर में एटम्स प्रेजेंट है एंड ऑन एवरी फेस एटम इज प्रेजेंट. And in end center on every corner atom is present, one on the top face and one on the bottom face. Now next is trigonal. Trigonal is of two types, simple and body centered. Corners and corner plus one in the center of the body. Monoclinic is been divided into simple and base centered. Corners pe hai and corner and दो फेसेस के सेंटर पे. रोम्बोहेड्रल इज सिंपल, सो एटम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर. ट्राइक्लिनिक इज आल्सो सिंपल, सो एटम्स आर प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर. नाउ हेक्सागोनल इज आल्सो सिंपल, सो हेक्सागोन में भी एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है. सो दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ बेसिक, ये बेसिक 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स है. और ब्रेवियस ने क्या किया है, विद हेल्प ऑफ यूनिट सेल्स इसको फर्दर 14 में डिवाइड किया. यू कैन काउंट इट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ओके, सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी क्रिस्टल सिस्टम का. ब्रेवियस ने जो फर्दर क्लासिफिकेशन किया है वो तुम्हें पता होना चाहिए. अभी अपने को इन सॉलिड स्टेट वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी क्यूबिक, मींस सिंपल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड. एंड इसीलिए वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि अपने को सिलेबस में सिर्फ क्यूब पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है इन डिटेल. बट इतना जितना दिया है टेक्स्ट बुक में उतना अपने को आना चाहिए, बिकॉज उसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन बना के एमसीक्यू के फॉर्म में सीईटी में पूछ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कैलक्यूलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल ऑफ अ क्यूब. अपने को सिर्फ क्यूब में इंटरेस्टेड है. सो नाउ इफ आई टेक फर्स्ट दैट इज सिंपल क्यूब, तो इन सिंपल क्यूब एटम्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब. So you can find it 1 8 into 8, that is it. 1 8 क्यों आया, ये how 1 8 is coming. Now I'll show you the further previous slides. Now here you can see this is the simple cube. अब ये दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ क्या पूरा atom आ रहा है क्यूब के अंदर, नहीं ना, ये सिर्फ इतना ही पार्ट atom के अंदर आ रहा है. So, ये जो इतना पार्ट है मीन्स एवरी एटम इन स्पेस लैटिस, एवरी एटम इन स्पेस लैटिस इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. मीन्स अगर मैं अभी ये वाला एटम कंसिडर करती हूँ तो ये वाला जो एटम है ना यहाँ पे ही, यू कैन सी इट इज कमिंग इन दिस क्यूब,
ये क्यूब में भी आ रहा है, ये क्यूब में भी आ रहा है, वैसे ही इधर ऊपर वाले क्यूब में भी जाएगा, ये वाले क्यूब में भी जाएगा। तो ये हो गया 4 इस तरफ एंड 4 उसके पीछे की तरफ। तो ऐसा एक सिंगल एटम जो है, वन सिंगल एटम जो होता है, इट इज शेयर्ड इन 8 क्यूब्स। तो एक क्यूब के अंदर उसका सिर्फ 1/8 पार्ट आता है। इन वन क्यूब ओनली 1/8 पार्ट इज कमिंग। तो ये सब तुम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आई डोंट नीड टू गो इन डिटेल अबाउट इट। सो इट इज 1/8। सो एवरी आइटम इन साइड वन सिंगल यूनिट सेल, इट इज 1/8। सो 1/8 इंटू 8 यानी 1 एटम। सो दिखने के लिए अपने को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स आर प्रेजेंट ऑन 8 कॉर्नर्स, बट एक्चुअली वो 8 एटम्स नहीं होते हैं, दैट इज 1 एटम, क्योंकि उसका एक छोटा सा 1/8 पार्ट जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर आता है। Now next is body centered. Now in body centered, atoms are present on corners and in the center of body. So it will be 1/8 into 8 plus 1. So it is 1 plus 1, 2. 2 atoms. Third is face centered. Now in face center, atoms are present on every corner and on the face. Correct, na, all of you? So it will be how much? 1/8 into 8, that is 1. Ye to ho gaya corner wala contribution. Aur face ka contribution kitna hota hai? Now each face will be shared. Now you can see here, if you see this atom, ये atom के अंदर सिर्फ आधा हिस्सा अंदर है, you can see half part of atom is inside the unit cell and half बाहर है, है ना? You can see here, if you take this face, so ये face का अगर यहाँ पे atom है तो आधा इधर रहेगा, आधा इधर रहेगा, हाफ इन दिस क्यूब एंड हाफ इन दिस क्यूब। सो एक क्यूब के अंदर कितना आ रहा है? सो इट इज कमिंग हाफ ओनली। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, हाफ इंटू 6। आई विल राइट हाफ इंटू 6, सो इट विल बी 3। सो 1 + 3, दैट मीन्स टोटल 4 एटम्स आर कमिंग। सो इन सिंपल 1 एटम, in body center 2 atom and in face center there are 4 atoms. So now let's start with MCQs. Smallest portion of a space lattice which can generate crystal by repeating its dimension is called unit cell. So answer is B. In a primitive unit cell, means simple unit cell, the points are presented at the corner of the unit cell. In face-centered unit cell, points are present at corners and at the face-centered. The number of atom in single primitive cell, अभी किया ना हम लोग ने, it is 1. The number of atom present per FCC unit cell is 4. And number of atoms in a single body centered cubic unit cell is 2. Okay. So this was my last MCQ for this video. I hope tum logo ko pasand aaya hai. एंड समझ में भी आया रहेगा। अगर बराबर से वीडियो ध्यान दे के सुनोगे, समझोगे, तो समझ में भी आएगा। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम योर प्रिस्क्राइब बुक। यू कैन टेक मार्वल्स MHCET 2021 का मार्वल ऑलरेडी मार्केट में आ गया है। सो यू कैन बाय इट एंड यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द MCQs of the topics which I have already taught you. Okay, so
अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल कैच 25 साइंस एकेडमी। एंड इफ योर फ्रेंड सम मींस अभी बहुत सारा ऑनलाइन लेक्चर्स होने की वजह से मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो इफ यू आर फाइंडिंग एनी ऑफ योर फ्रेंड हु इज फीलिंग एनी डिफिकल्टीज इन दिस टॉपिक्स। एंड जैसे अभी सीटी 2021 बहुत नजदीक में है, इट इज लाइक 2-3 months में अभी सीटी का एग्जाम होगा, सो प्लीज हेल्प योर फ्रेंड्स, टेल देम अबाउट दिस कैच 25 एमएच सीटी 2021 सीरीज एंड उनको भी लिंक्स पास करो सो दैट उन लोग भी इस वीडियोस का फायदा ले सके। ओके, थैंक यू सो मच, सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।